नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। जब रेलवे में है भ्रष्टाचार, होना कैसे जिम्मेदार। मैं खान सर बेकसूर, वे चाहे तो मैं लीगल मदद को तैयार हूं। संतोष कुमार पाठक एडवोकेट। जनपद चंदौली के प्रसिद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता संतोष कुमार पाठक एडवोकेट ने बिहार में रेलवे व मोदी सरकार के भ्रष्टाचार, साथ ही बिहार प्रशासन को जिम्मेदार माना है और इसकी पटना के सिटिंग जज से व्यापक व निष्पक्ष जांच कराने और पटना वाले खान सर के खिलाफ दर्ज FIR वापस लेने की मांग की है। संतोष कुमार पाठक एडवोकेट ने कहा कि जिस भर्ती के लिए रेलवे का नोटिफिकेशन 2019 में जारी हो गया था, उसकी शर्तें व नियम उसी समय लागू हो गई थी, जो छात्रों के साथ RRB पर भी बाध्यकारी है। अचानक RRB अपने नियमों में परिवर्तन कैसे कर सकता है, यह सरासर अवैधानिक है। ग्रुप डी के छात्रों के लिए वही पैमाना कैसे हो सकता है जो NTPC के छात्रों के लिए है। ग्रुप डी के छात्र इंटर पास होते हैं, जबकि NTPC की परीक्षा में ग्रेजुएट पास छात्र बैठते हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि ग्रेजुएशन पास छात्रों के पास थोड़ी जानकारी अधिक होगी और इंटरमीडिएट पास छात्रों के पास जानकारी ग्रेजुएट पास छात्रों की अपेक्षा कुछ कम होगी। ऐसे में दोनों के लिए पैमाना कैसे हो सकता है और ग्रुप डी के नोटिफिकेशन में जब मेंस की परीक्षा का वर्णन नहीं है, तो अब उसमें परिवर्तन कर मेंस की परीक्षा कैसे ली जा सकती है। इसके लिए सीधे सीधे रेलवे मंत्रालय व RRB जिम्मेदार है। संतोष कुमार पाठक एडवोकेट ने कहा कि रेलवे मंत्रालय में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, पूरी मोदी सरकार भ्रष्टाचार में आंखंट डूबी है और बिहार में हुई हिंसा के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। बिहार में जगह जगह छात्र जिस तरह से सड़क पर उतरे, उसको संभालने में बिहार की पुलिस नाकाम रही। छात्रों पर लाठियां बरसाई गई, इसके लिए बिहार का प्रशासन जिम्मेदार है। इसमें पटना वाले खान सर कहीं से जिम्मेदार नहीं है। उनके ऊपर FIR दर्ज होना बिल्कुल गलत है, ये एक तरह से तानाशाही है। संतोष कुमार पाठक एडवोकेट ने कहा कि पटना के खान सर यदि चाहेंगे तो उन्हें अपनी तरफ से पूरा लीगल उपचार देने को तैयार है। वह पटना जाकर के उनकी एंटीसिपेटरी बेल कराने को तैयार है। उसके बाद माननीय पटना हाई कोर्ट में FIR रद्द करने के लिए 482 CRPC की याचिका भी दाखिल कर सकते हैं। नमस्कार, मैं संतोष कुमार पाठक एडवोकेट जनपद चंदौली उत्तर प्रदेश से। बिहार में जो कुछ हुआ है, जो हिंसा हुई है, छात्रों द्वारा की गई है, वह कहीं से जायज तो नहीं है, लेकिन हिंसा के लिए जिम्मेदार कौन है? हिंसा के लिए सीधे सीधे रेल मंत्रालय जिम्मेदार है। इसमें खान सर का तो कोई, जो पटना वाले खान सर हैं, उनका क्या दोष है? आखिर में रेल मंत्रालय ने ऐसे कैसे कर दिया कि 2019 में जब आप वांट निकालते हैं, उसमें कुछ और नियम है, उसके बाद में अपने नियमों में बदलाव कैसे कर सकते हैं? NTPC के छात्रों को कैसे ग्रुप डी के छात्रों के साथ बैठा सकते हैं और दोनों के लिए एक ही नियम कैसे लगा सकते हैं? ये सरासर सरकार की, रेल मंत्रालय की, RRB की गलती है। इसमें न तो छात्रों का दोष है और न ही पटना वाले खान सर का दोष है। पटना वाले खान सर जी, मैं आप जहां कहीं भी हूं, आप मेरे वीडियो को अगर देख रहे हैं, तो ये विश्वास रखिए मैं आपके साथ हूं। मैं आपको पूरा लीगल एड देने को तैयार हूं। मैं अपने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से परमिशन लेकर के पटना आऊंगा और आपको जो भी लीगल एड की जरूरत होगी मैं वहां दिलवाऊंगा आपको। आप मेरे मोबाइल नंबर 9415293335 पर अपना FIR भेजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको कोर्ट में न जाना पड़े। शायद एंटी सेपेटरी बेल है वो मिल जाएगी। आप बिल्कुल चिंता न करें, आप छात्रों को इंस्पायर करते हैं, छात्रों को उनके भविष्य के लिए तैयार करते हैं, आप भारत का निर्माण कर रहे हैं। मैं आपके इस कार्य का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं और मैं अक्सर आपकी वीडियो भी देखता हूं, और आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं आपके बिल्कुल साथ हूं, आपको लीगल एड दूंगा। आप मुझे कॉल करें, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपना FIR भेजें। जय हिंद।